मैरिज तो 7 महीने हो गए हैं। मेरी आदिल की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट। बट कुछ लोग हैं मुझे आदिल को जुदा करना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती, हर चीज़ मीडिया में नहीं होती है। मुझे मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए। आदिल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं आदिल से बहुत प्यार करती हूँ। तो उनके मैसूर में ही कुछ लोग हैं जो उनको चढ़ा चढ़ा के उनको चढ़ा चढ़ा के उनको वापस मैसूर बुला लेना चाहते हैं। उन्हें मैं नहीं बताना चाहती हूँ। पैसों का लालच देकर, मेरा आदिल कभी किसी पैसों के लालच में नहीं आता। क्या नसीब लेकर पैदा हुई हूँ मैं, शादी करके भी चैन नहीं है। आप बताइए, कहीं इस वजह से तो नहीं कि आप हिंदू हो और मुसलमान लव जिहाद की वजह से? मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग आदिल को फ़ोन कर करके मुझसे जुदा करना चाहते हैं। कहीं के नहीं, सिर्फ मैसूर के लोग हैं, और वो कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है। वो उनको फ़ोन कर करके पता नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरी शरीर पे, हेल्थ में आपको नहीं बता सकती क्या हो रहा है। मेरा गुड न्यूज़ में मेरा बैड न्यूज़ बन गया है मेरा। थैंक यू। राखी जी, आखिरी सवाल, आपका एक तस्वीर, इनका एक फ़ोटो ले लो प्लीज़। एक तस्वीर से वायरल हो रहा है, आप भगवा कलर के बुर्का में दिखाई दी हो तस्वीर में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी आप भगवा कलर के मतलब बुरखे में आपका फोटो लेके वायरल हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने पहना नहीं है, किसी ने कलर करेक्शन किया होगा। मैंने बुरखा पहना है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मेरी शौहर मुस्लिम है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है नमाज़ पढ़ना। मैं अपने गॉड को भी प्रे करती हूँ और नमाज़ भी पढ़ती हूँ। मैं जीसस को भी मानती हूँ, अल्लाह को भी मानती हूँ। मुझे इससे कोई मेरा खुदा रोक नहीं सकता। मैं आपसे मैसूर वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे और आदिल को जुदा ना करें प्लीज़। कोई रीज़न बताना चाहोगे क्यों जुदा कर रहे हैं लोग? मुझे नहीं मान, आदिल के घर वाले नहीं मान रहे हैं कि ऐसा कुछ बाहर से कोई? मैं कुछ नहीं, क्यों मेरी ज़िंदगी में एक दिन भी चैन का नहीं हो रहा।